सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, आज और अभी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव, लेकर आई हूं अभी तक की बड़ी खबरें। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच पहले वीजा फ्री रास्ते को लेकर अहम फैसला होगा। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से भारत के श्रद्धालु ननकाना साहिब जा सकते हैं। रूस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक और स्पेस मिशन से जुड़े कई समझौते होने की संभावना है। इस दौरान इकोनॉमिक फोरम की बैठक में मोदी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री डीके शिवकुमार की आज कोर्ट में पेशी होगी। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लेना जरूरी है। बीती रात ईडी ने डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी की थी। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में उतारने का दूसरा चरण भी सफल रहा है। दो दिन पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर को अलग किया गया था। 7 सितंबर को रात 1:55 पर लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। गणेश उत्सव की धूम के बीच मुंबई के लिए मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसे देखते हुए बीएमसी ने आज सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दिया है। दो दिनों से हो रही बारिश के चलते मुंबई में हवाई सेवाएं और लोकल ट्रेनों की आवाजाही लड़खड़ाई हुई है। हरियाणा में चौटाला परिवार का झगड़ा खत्म होता सा दिख रहा है। खाप पंचायत के प्रतिनिधियों ने अभय चौटाला और उनके बड़े भाई अजय चौटाला के बीच सुलह कराने की कोशिश की है। अगर देवीलाल का परिवार एकजुट हो जाता है तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को समूचे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है। अभी वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। खबर ये भी है कि राजबब्बर के जगह कांग्रेस यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुनेगी। मिर्जापुर के पत्रकार पवन जायसवाल प्रशासन की घिनौनी साजिश का शिकार हुए हैं। स्कूल में बच्चों को नमक रोटी खिलाने की बात डीएम ने मानी और उसके बाद मुकदमा पत्रकार पर दर्ज किया गया। 5 बार के चैंपियन रहे रोजर फेडरर यूएस ओपन से बाहर हो गए हैं। उनको बुल्गारिया के गैर वरीय खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव ने हराया है। अब दिमित्रोव का सेमीफाइनल में मुकाबला रूस के डैनियल मेदवेदेव से होगा। बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म साहो का देश विदेश में डंका बज रहा है। 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने जहां 5 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 350 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देश के बड़े मुद्दों पर एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।